Bismillah Mani, Assalamu alaikum. Aaj humne 10th class ki physics chapter number 16 basic electronics ka jo next topic hai 16.4 analog and digital electronics isko study karenge. Hamara ye jo chapter hai chapter 16 ye electronics ka hai jisme hum log jo wo electrons ko basically padhte hain ke electrons किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है मींस के इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को जो वो स्टडी करना है तो यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दो ब्रांचेस है वो है हमारी एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनालॉग की तो एनालॉग क्वांटिटीज जो है वो ऐसी क्वांटिटीज है जो के वेरी करती हैं With respect to time means के उनमें changings आती रहती हैं वो change होती रहती हैं उनकी जो value है उसमें continuous जो है वो change आता है continuous change आएगा जिस तरह से हम लोग simple से example ले ले अगर हम लोग temperature की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है सुबह के टाइम हमारा टेम्परेचर जो वो कुछ और होगा दोपहर में वो चेंज होगा शाम में चेंज हो जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होता रहेगा उसमें वेरिएशन होती रहेगी इसी तरह जो है अगर हम लोग एग्जाम प्रेशर की बात करते हैं एयर प्रेशर चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है अगर हम लोग मूव करें तो हमारा डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है तो वो सारी क्वांटिटीज जो कि चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारी क्या क्वांटिटीज कहलाती है वो हमारी एनालॉग क्वांटिटीज कहलाती हैं तो ऐसे सर्किट जो कि हमारी इन क्वांटिटीज को प्रोसेस करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे एनालॉग सर्किट्स तो एनालॉग सर्किट्स ये हमारे कौन से सर्किट्स होते हैं जो कि हमारी एनालॉग क्वांटिटीज को प्रोसेस करते हैं इसके हम लोग एग्जांपल देखते हैं फिर जो है वो हमें इजीली समझ आ जाएगा प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं साउंड की बात करूं आवाज़ की बात करूं तो हमारी जो साउंड है ये बेसिकली एनालॉग क्वांटिटी है ठीक है क्यों क्योंकि ये हमारी कंटिन्यूसली जो है वो आवाज़ चेंज होती रहती है कभी हम लोग आहिस्ता बोलना शुरू कर देते हैं बहुत तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं तो इसमें चेंजिंग आती रहती है क्वांटिटी और अगर हम लोग साउंड वेव को ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारी जो है वो शेप बनती है साउंड की ठीक है कि ये इस तरह से जो है वो इसमें कंटिन्यू चेंज आता रहता है कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है तो ये हमारी क्या हो गया एनालॉग क्वांटिटी होगी साउंड तो वो सर्किट जो कि हमारी इस क्वांटिटी को प्रोसेस करेगा ठीक है इसके ऊपर वर्किंग करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा वो हमारा एनालॉग सर्किट कहलाएगा जिस तरह से हम लोग इसके सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं हमारे माइक्रोफोन ठीक है स्पीकर वगैरह माइक्रोफोन की हम लोग सिंपल बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे माइक्रोफोन क्या करता है कि हमारी ये जो साउंड वेव है ठीक है इसको सबसे पहले हमारी जो ये साउंड है ये वेव की फॉर्म में तो वो क्या करता है माइक्रोफोन इसे सबसे पहले एनालॉग क्वांटिटी में सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में जो है वो चेंज कर देता है ठीक है इसकी चेंजिंग हो जाती है हमें ये जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में जो है वो हमारी जो साउंड है ये चेंज हो जाती है वेव जो है वो कि फॉर्म में चेंज हो जाती है अब वो क्या करता है कि हमारे इसके बाद जो माइक्रोफोन के अंदर इसके बाद हमारे क्या होता है इसने हम लोगों ने बेसिकली साउंड को जो वो वो हमारी वेव की फॉर्म में थी ठीक है इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सिग्नल्स की फॉर्म में ठीक सिग्नल्स में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया अब हम लोग क्या करते हैं हम लोगों ने एम्पलीफायर यूज़ किया होता है ये माइक्रोफोन के अंदर ही होता है वो क्या करता है हमारे इस साउंड को जो है वो एम्पलीफाई कर देता है मींस इंक्रीज कर देता है हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं वो क्या करता है कि हमारी ये जो साउंड है इसका ये जो एम्पलीट्यूड है इसको इंक्रीज़ कर देता है एम्पलीफाई कर देता है मींस बढ़ा देता है इंक्रीज़ कर देता है
तो वो किस तरह से होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये साउंड है इस तरह से, साउंड वेव मैं इधर ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो एम्पलीफायर का काम क्या है कि वो इसके इस एम्पलीट्यूड को जो है वो इंक्रीज़ कर दे। अब क्या होगा, हमारी जो वेव बनेगी ठीक है वो इस तरह से बन जाए कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड उसने इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसके बाद क्या होता है कि हमारे इसके आगे होता है लाउड स्पीकर होता है, ठीक है, लाउड स्पीकर। वो क्या करते हैं, अब हम लोग इसको जितने हमें रिक्वायर्ड है हम लोग उसको उतना जो है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं, मीन्स इंक्रीज कर सकते हैं। अब लाउड स्पीकर क्या क्या पर्पज़ है कि वो हमारे इस सिग्नल्स को जो है वो दोबारा से साउंड में जो है वो कन्वर्ट कर देते और हमें जो है वो आवाज़ दोबारा से सुनाई देती, क्योंकि हम लोग सिग्नल्स को तो नहीं समझ सकते, ठीक है। अगर हमारे सिग्नल्स ही आएंगे तो हमें आवाज़ समझ नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो इसको दोबारा से इन्हीं सिग्नल्स को जो कि हम लोगों ने एम्पलीफाई किए में मीन्स इंक्रीज़ किए, उनका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। जिस तरह आप लोग देखते हैं ना कि हम लोग स्पीकर को जो वो मैनेज करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हमें जितनी आवाज़ चाहिए होती है हम लोग उस पर उसकी ट्यूनिंग कर देते, उसे सेट कर देते हैं, मीन्स कि हम लोगों ने स्पेसिफिक रेंज दे देते हैं हम लोग अपने एम्पलीफायर को कि आवाज़ जो है वो इतनी इंक्रीज़ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं भरनी चाहिए। तो वो हमारी जो साउंड होती है वो एम्पलीफाई हो जाती है, भर जाती है, ठीक है। तो फिर लास्ट में क्या होता है कि यही हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ये वापस साउंड की फॉर्म में हमें सुनाई देते हैं। तो क्या होता है कि हमारी आवाज़ जो है वो हमें वापस आवाज़ ही सुनाई देती है। ये जितना भी प्रोसीजर है दरमियान में कि साउंड को जो है वो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना, फिर उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना और एम्पलीफाई से वापस सॉरी उन सिग्नल्स को वापस दोबारा से साउंड में कन्वर्ट कर देना, ये सारा प्रोसेस जो है ना ये माइक्रोफोन के अंदर ही होता है हमारे। तो ये जो हमारे डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे बेसिकली एनालॉग सर्किट है जो कि किस पे प्रोसेसिंग करती है, हमारे एनालॉग क्वांटिटीज को जो वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है। इसी तरह अब हम लोग बात करेंगे डिजिटल क्वांटिटीज की, ठीक है, कि डिजिटल क्वांटिटीज जो है वो बेसिकली क्या होती हैं। डिजिटल, ठीक है, क्वांटिटीज ये बेसिकली हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स कि ये हमारे कोई भी डिजिट या नंबर की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स ये हमारे डिजिट्स होते हैं। अब ये जो डिजिट्स होते हैं ये सिर्फ दो होते हैं, या तो आपका डिजिट 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्टिन्यू वैल्यूज़ नहीं होती, जिस तरह हम लोगों ने एनालॉग में कहा कि ये कॉन्टिन्यूस होती हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मीन्स के कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। जिस तरह से अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम लोग टाइम फॉर एग्जांपल में एग्जांपल दे रहे, सपोज करते हैं कि हम लोग इधर टाइम ले लेते हैं और इधर हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा जो कि ये शो करता है कि हमारी जो क्वांटिटी है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। पहले इंक्रीज़ हो रही थी फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है, इसमें वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूसली है। लेकिन जो हमारी डिजिटल होती है इसमें कंटिन्यूस चेंज नहीं आता, ठीक है। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो इसका किस तरह से ग्राफ बनेगा, ये हमारी 0 मान्य, 0 मीन्स 0 जो ये हमारी ऑफ स्टेट को शो करते हैं, ठीक है, ऑफ स्टेट, और जो 1 है ये हमारी ऑन स्टेट को शो करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोगों का पंखे हैं, ठीक है, टीवी है, कुछ भी है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब उसको 0 करते हैं मीन्स कि हम लोगों ने अपने फ़ैन को ऑफ कर दिया, ठीक है, उसे हम लोगों ने 0 स्टेट में किया, इट मीन्स कि ये ऑफ हो गया, हमारा स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने का मतलब कि हमारा अब जो फ़ैन है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जैसे हम लोग उसको बंद करेंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, अब फ़ैन जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा, तो ये उस वक्त तक वर्किंग करेगा जब तक हम लोग इसको दोबारा से ऑफ ना करें, मीन स्विच को ऑफ ना करें। जैसे हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, वो वापस जो हमारा फ़ैन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, फिर वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दो ही स्टेट्स होती, या तो हमारा फ़ैन ऑफ होगा या हमारा फ़ैन जो है वो ऑन होगा। ऐसा नहीं होता कि हम स्विच को दरमियान की कंडीशन में कर दें
और हम लोग कहें कि जो हमारा पंखा जो है वो दरमियानी जो है वो स्टेट में रहे, तो इस कंडीशन में नहीं हो सकता। तो इस डिजिटल क्वांटिटीज़ में सिर्फ हमारे पास दो ही स्टेट्स होती हैं, एक हमारी ज़ीरो होती है और एक हमारी वन होती है। तो ज़ीरो स्टेट जो है वो हमारी ऑफ स्टेट को शो करती है, मीन्स कि हमारी जो भी डिवाइस है वो हमारी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो बिल्कुल ऑफ है। और इसी तरह जब हम लोग उसे मन करते हैं, ऑन करते हैं, तो वो वर्किंग कंडीशन में आ जाती है, मीन्स कि वो जो हमारा फ़ैन है या जो भी हमारी डिवाइस है वो क्या कर रही है, वो अब वर्किंग कर रही है, वो अब काम कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग सर्किट्स यूज़ करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे डिजिटल सर्किट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे एनालॉग क्वांटिटीज़ की प्रोसेसिंग करते हैं वो हमारे क्या होंगे, डिजिटल सर्किट्स। जिस तरह स्विच वगैरह हम लोग बात करें तो स्विच बेसिकली हमारे क्या डिजिटल सर्किट्स हैं, जो कि हमारी डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, या तो उसे ऑफ स्टेट में रखते हैं या उसे ऑन स्टेट में रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग जब अपने घरों की बात करते हैं तो क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जो हमें पीछे से वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, वोल्टेजेस हमें आ रहे हैं, वो हमारे डिजिटल क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो हमारे एनालॉग क्वांटिटीज़ की फॉर्म में होते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ की फॉर्म में होते हैं। कैसे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों को 220 वोल्ट जो है वो बेसिकली मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग गर्मियों में देखें तो बाज़ का क्या होता है, हमारे ये वोल्टेज जो है वो कंप्लीट नहीं आ रहे होते, कभी जो हो सकता है 200 आ रहे हों, ठीक है, 190 आ रहे हों, तो वोल्टेज में चेंजिंग आ रही होती है, ठीक है, फ्लक्चुएशन भी आ जाती है, ठीक है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है या 220 है, इस कंडीशन में नहीं होता। तो इट मीन्स कि जो हमारे पीछे से सप्लाई आ रही है करंट की, वो हमारी किस फॉर्म में आ रही है, वो हमारी एनालॉग क्वांटिटी की फॉर्म में, मीन्स कॉन्टीन्यूस उसमें जो है वो चेंज आता रहता है। वो चीज़ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। लेकिन अगर हम लोग अपनी डिवाइसिस की बात करें, ठीक है, डिवाइसेस में जिस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, फ़ैन की बात कर सकते हैं, टीवी की बात कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की बात कर सकते हैं, कोई भी मशीनरी की बात कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो हमारी हैं ये हमारी सारे के सारे डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं पर वर्किंग करती हैं, ये जो बेस करती है ये हमारी डिजिटल क्वांटिटीज़ पर बेस करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो डिवाइसेस है या तो ये ऑफ होंगी या ऑन स्टेट में होगी। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, मींस वन करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे, और जैसे हम लोग ज़ीरो कर देते हैं तो ये हमारी जो डिवाइसेस है ये ऑफ स्टेट में चली जाती हैं। ठीक है, तो हमारी डिवाइसेस जो है वो किस पे बेस करती है, वो डिजिटल क्वांटिटीज़ पर बेस करती हैं। इसी तरह अब हम लोग इन क्वांटिटीज़ को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने दोनों क्वांटिटीज़ पढ़ी, एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़, अब हम लोग इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोगों ने अगर डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल जाना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसी तरह सेकंड जो है वो हमारा होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। कि हम लोग एक एनालॉग क्वांटिटीज को डिजिटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिजिटल क्वांटिटीज को एनालॉग क्वांटिटीज में जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को अपने कंप्यूटर पर अप्लाई करके देखें तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली जो है वो हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, मीन्स कि आप कंप्यूटर के सामने बोलते जाएं तो ये नहीं है कि वो आपको उसी लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स करे, ऐसा नहीं होता। वो जो हमारा कंप्यूटर है वो किस पे वर्किंग करता है, कंप्यूटर जो है वो डिजिटल क्वान्टिटीज़ पर बेस करता है, मीन्स कि उसकी प्रोसेसिंग जो है वो डिजिटल क्वान्टिटीज़ पर वो करता है। तो क्या किया जाता है कि हमारी जो एनालॉग क्वांटिटीज़ होती है, मीन्स जो हम लोग डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो क्या होते हैं, वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सबसे पहले जो है वो हम लोग, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एनालॉग क्वांटिटी ली, ठीक है,
क्वांटिटी हम लोगों ने टाइप की अपने कंप्यूटर में, तो क्या करेगा हमारा जो कंप्यूटर है सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो वर्किंग ही डिजिटल क्वांटिटीज़ पे करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इन एनालॉग क्वांटिटीज़ को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर उस पर वो प्रोसेसिंग करेगा कि हम लोगों ने उससे क्या डिमांड की है। मीन्स हम कोई डाटा सर्च कर रहे हैं, हम लोगों ने गूगल पे टाइप किया, कुछ भी टाइप किया, हम लोग कंप्यूटर बायो का कोई चैप्टर स्टडी करना चाहते हैं, साउंड को स्टडी करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने गूगल पे क्या टाइप किया, साउंड टाइप किया, तो क्या करेगा कंप्यूटर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को जो वो डिजिटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले। उसके बाद क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, मीन्स उससे रिलेटेड डेटा ढूंढेगा, और फिर क्या होगा कि वो ही डेटा जो है वो जब वो प्रोसेस कर लेगा, ढूंढ लेगा, तो वो हमें वो डेटा जो है वो हमारी लैंग्वेज में वापस देगा। अब क्या होगा कि ये जो हमारी डिजिटल क्वांटिटी है जो कि कंप्यूटर ने प्रोसेस करने के बाद हमारी ढूंढी, मीन्स जो डेटा हम लोगों ने एंटर किया वो उसने सर्च कर लिया, तो वो क्या करेगा कंप्यूटर इसी डिजिटल क्वांटिटी को कंप्यूटर दोबारा से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वापस एनालॉग क्वांटिटी में, क्योंकि हम लोग तो एनालॉग क्वांटिटी को ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमें जो फिर इंफॉर्मेशन मिलेगी वो वापस एनालॉग क्वांटिटी की फॉर्म में ही मिलेगी। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, बेसिकली यही काम करता है कि हमारी एनालॉग क्वांटिटी को सबसे पहले कन्वर्ट करता है डिजिटल क्वांटिटी में, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है, मीन जो हम लोग डाटा सर्च कर रहे हैं उसको सर्च आउट करता है, फिर उसको वापस कन्वर्ट कर देता है एनालॉग क्वांटिटी में, और हमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, जो हम लोग ढूंढना चाह रहे वो हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में मिल जाएगी। तो ये हमारी प्रोसेसिंग होती है। तो हमारी जितनी भी डिवाइसेस हमारे घरों में यूज़ होती है वो बेसिकली इन्हीं पर बेस कर रही होती है, या तो वो एनालॉग क्वांटिटीज़ पे प्रोसेसिंग कर रही है या वो डिजिटल क्वांटिटीज़ पे प्रोसेस कर रही है। बास का तो ऐसा होता है कि वो दोनों पर ही जो है वो वर्किंग कर रही होती हैं। तो हमारे अगर हम लोग अपने सर्किट्स वगैरह फैंस वगैरह की बात करें तो वो क्या है हमारे, वो बेसिकली हमारे एनालॉग डिजिटल सर्किट्स है जो कि डिजिटल क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करते हैं। और अगर हम लोग जो है वो अपनी कंप्यूटर वगैरह की बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, इन दोनों के ऊपर वर्किंग करते हैं एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज़ पर, और उसको जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट करते हैं और हमें जो है वो रिक्वायर्ड डाटा जो है वो मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।